उत्तरकाशी की शिलक्यारा सुरंग में दिवाली के दिन अचानक भूस्खलन हो गया और वहां काम कर रहे 41 मजदूर अंदर ही फंस गए। मलबा इतना ज्यादा था कि श्रमिकों को निकालने के लिए पिछले 11 दिन से बचाव अभियान चलाया जा रहा है। टीमें दिन रात सुरंग में बचाव अभियान चला रही हैं। सुरंग में ऑगर मशीन से 39 मीटर तक ड्रिलिंग हो चुकी है। कुल 57 से 60 मीटर तक ड्रिलिंग होनी है। अधिकारियों का कहना है कि सब कुछ ठीक रहा तो आज रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने की उम्मीद है। कुछ मजदूरों के परिजन भी सुरंग के बाहर मौजूद हैं। उन्होंने मीडिया से बात की और बताया कि उनको क्या जानकारी मिल रही है। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। मेरा नाम इंद्रजीत कुमार है और टनल के अंदर जो फंसे हुए हैं, मेरा जानकारी के दो व्यक्ति हैं, जो एक मेरा भाई है उसमें, जिसका नाम विश्वजीत कुमार है, और रिलेटिव जो है उसका नाम सुदीप कुमार है, सुबोध कुमार। सुबोध इंद्रजीत जी, ये बताइए कि अब से कुछ ही देर पहले जो अधिकारी हैं वो मीडिया के सामने आए, उन्होंने बोला कि बहुत जल्द हमें बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है, 39 मीटर तक हम लोग पहुंच चुके हैं और हमें 57 मीटर तक जाना है। ये खबर सुनने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं दिल में, अब क्या लग रहा है? अधिकारी जो बात बता रहे हैं वो भी सही है, और मैं खुद आज करीब 6 बजे के आसपास में टनल के अंदर प्रवेश किया था भाई से बातचीत करने के लिए, तो मैंने खुद भी देखा कि 41 मीटर के आसपास पाइप पहुंचने वाली है, और वहां से जानकारी भी मैं खुद लिया, तो बोले कि आज 1 बजे से लेकर के शाम तक किसी भी वक्त उन लोगों को मैं रेस्क्यू करके बाहर निकाल सकता हूं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आज सभी जितने 41 वर्कर जो देश के अंदर से विभिन्न राज्यों से अंदर में हैं वो सकुशल बाहर हो जाएंगे, प्लस जितनी भी एजेंसियां लगी हुई है दिन रात करके मेहनत कर रही है उसको भी राहत महसूस होगी। शाम तक आपको बता दिया गया अंदर वर्कर से जो आपकी बातचीत हुई? हाँ, बातचीत हम किए तो उसको तो नहीं ऐसा बोले, क्योंकि मशीनरी सिस्टम की प्रोसेस है, तो अगर उसको हम अभी बोल दें कि 1 घंटे के अंदर आपको बाहर ले सकता हूँ, और अगर वो वक्त 4 घंटे में चेंज हो जाए तो थोड़े उसे उदासी या कुछ निराशा महसूस हो, इसलिए मैंने उसको एग्जैक्टली टाइम दिया नहीं, लेकिन मैंने बोला कि मैंने बहुत जल्द ही आप लोग अब बाहर हो सकते हो। अच्छा, आपकी बातचीत भी हुई तो कैसा महसूस कर रहे हैं, खुश हैं वो? हाँ, बहुत खुश। अंदर में उन लोग से जब वीडियो में बात कल हुई और आज उन लोग जो NDRF की टीम है उसने अपना मशीन के द्वारा अंदर कनेक्ट भी किया और उन लोग मोबाइल के द्वारा बातचीत भी किए, तो सब बहुत खुश हैं, किसी प्रकार की दिक्कत उन लोग के अंदर नहीं है। भाई का स्वागत कैसे होगा? वो तो पहले प्रक्रिया तो यहाँ से वो मेडिकल जाएंगे, मेडिकल के बाद फिर उसकी जो प्रक्रिया होगी उस हिसाब से होने के बाद तो फिर वो घर का आगमन होगा उनका, तो सबके तो जब वो बाहर खुद आ जाएंगे तो उसी टाइम तो लगता है कि खुशी का तो किसी का ठिकाना रहेगा नहीं, लेकिन उसकी तो एक अलग झलक देखने को मिलेगी। शब्दों से बयान नहीं किया? नहीं, उसका शब्दों से बयान नहीं किया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।